आज के इस आधुनिक युग में खुद को ज़्यादा सुंदर दिखाने की होड़ मची है और इस होड़ में जो लोग सांवले या काले हैं खुद को बेबस महसूस करते हैं। पर याद रखिए, तन से ज़्यादा मन का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। तन तो एक न एक दिन बूढ़ा होकर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों का व्यवहार अच्छा होता है उन्हें लोग बरसों तक याद रखते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हम खुद को सुंदर करने के चक्कर में टीवी और अन्य जगहों से जो विज्ञापन देखते हैं बस उन्हीं के अनुरूप क्रीम पाउडर में लाखों रुपए खर्च कर जाते हैं, पर परिणाम हमें कुछ भी नहीं मिलता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर को फेयर ग्लो करने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन उपाय थोड़े कॉस्टली है, पर गोरापन चाहिए तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहला है क्रायो सर्जरी। आप क्रायो सर्जरी कर सकते हैं। इस तकनीक में तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इलाज की खास बात यह है कि यह हर तरह की स्किन टोन के लिए सुरक्षित है। तरल नाइट्रोजन काफ़ी ठंडा होता है जो स्किन में मौजूद मेलेनिन को साफ करता है। मेलेनिन ही वह घटक है जो आपकी सांवली या काली स्किन के लिए जिम्मेदार है। इस प्रोसेस से कुछ ही दिनों में आपके स्किन से मेलेनिन साफ हो जाता है और आपकी त्वचा गोरी और निखरी दिखाई देती है। दूसरा है लेजर स्किन रिसरफेसिंग। इस ट्रीटमेंट में आपके त्वचा के मुहासे के निशान, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट आदि को मिटा दिया जाता है। यह तकनीक आपकी त्वचा की ऊपरी परत को हटाने में मदद करती है। लेजर बीम क्षतिग्रस्त त्वचा कोशिकाओं के जुड़ाव को खत्म कर देती है। यह लेयर तब तक नहीं हटती जब तक एक साफ त्वचा नहीं दिखाई देती है। इन उपाय में खर्चा अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग सर्जन के हिसाब से हो सकता है, तब भी एक अनुमानित खर्चा 3,000 से 60,000 के बीच आ सकता। आप इन सर्जरियों को कर अपने चेहरे को, अपने तन को फेयर ग्लो कर सकते हैं। पर सभी लोग इतने पैसे खर्च करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनके लिए एक मैं साधारण सा सादा घरेलू उपाय बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, चुटकी भर हल्दी लेना है और दूध की छाय लेना है। दोनों को मिक्स कर जब भी कहीं बाहर जाना हो उससे एक घंटा पहले अपने शरीर पर, अपने गालों पर, अपने चेहरे पर लगा लीजिए। बाद में इसे धुल लीजिए। आपको देखने वाले बोलेंगे कि वाह क्या फेयर है। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको पसंद ज़रूर आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्त भाई रिश्तेदार में ज़रूर शेयर करिए। साथ ही जानकारी पसंद आने पर लाइक भी करिए और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।